कहा जाता है कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा होती है और कुछ लोगों के जीवन का उद्देश्य मानव सेवा ही करना होता है। ऐसी एक संस्था है सर्व समाज आप सबकी रसोई, जो निरंतर समाज में निःशुल्क भोजन वितरण का कार्य करती है। इसी के तहत और कई अन्य समाज सेवा के कार्य जैसे जरूरतमंद लोगों को वस्त्रों का वितरण, बच्चों की शिक्षा के लिए भी कार्य किए जाते हैं और यह सब सर्व समाज आप सबकी रसोई के सदस्य व पदाधिकारी जैसे सर्व समाज आप सबकी रसोई की अध्यक्षा ऋतु विश्नोई के नेतृत्व में किया जाता है। लेकिन आपको बताते चले कि सर्व समाज आप सबकी रसोई की अध्यक्षा ऋतु विश्नोई विगत दिनों से बीमार हैं और अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही हैं, जिसके चलते उनकी सेवा भाव को देखते हुए उनके शुभ चिंतकों द्वारा उनकी दीर्घ आयु और मंगल स्वास्थ्य के लिए पूजा अर्चना की जा रही है। ऐसा ही एक नज़ारा हमें देखने को मिला मानसरोवर कॉलोनी में, जहां संतोष नारंग के निर्देशन में हवन व यज्ञ कर पूजा अर्चना की गई। जबकि आज के कार्यक्रम में संतोष नारंग के साथ साथ सर्व समाज आप सबकी रसोई परिवार के सभी सदस्य उपस्थित रहे और सभी ने हवन में आहुति देकर ऋतु विश्नोई के मंगल स्वास्थ्य की कामना की। सूर्यो वेतु स्वाहा, ओम भूर्भुवः व्योमाय स्वाहा, ओम वायुभ्यः अपनाय नमः, ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा, इदम् आदित्याय व्यानाय नमः, ओम भूर्भुवः स्वरग्निपाय वादितेभ्यः प्राणापानभ्यानेभ्यः स्वाहा, इदम् अग्निपाय वादितेभ्यः प्राणापानभ्यानेभ्यः इदं नमः, ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वाहा। पंडित जी प्रणाम जी। मैं परमपिता परमेश्वर से सर्वश्रेष्ठ समाजसेवी श्रीमती ऋतु विश्नोई जी के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ और इस यज्ञ के माध्यम से उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रभु से हमने निवेदन किया है कि परमात्मा उनको ये कष्टों को सहन करने की शक्ति दे, धैर्यता दे और इस कष्ट से उनको निवारण करें और स्वास्थ्य लाभ देकर के उनको स्वास्थ्य में समृद्धता प्रदान करें, जिससे वो पुनः इस संसार में अपने जो उनका अधूरा कर्म है उसको पूर्ण करता हुआ समाज की सेवा शुश्रूषा करते हुए वो स्वास्थ्य श्रेष्ठता के साथ धारण करके आगे और बढ़ाएं, प्रभु उनको शक्ति और सामर्थ्य दें। हम आर समाज, समस्त आर समाज मुरादाबाद की ओर से निवेदन करते हैं कि प्रभु उनको शीघ्रता के साथ स्वास्थ्य लाभ दें और मैं आशा करता हूँ कि परमात्मा निश्चित रूप से इस प्रार्थना को हमारा स्वीकार करेगा और उनको स्वास्थ्य लाभ निश्चित रूप से होगा, क्योंकि यज्ञ के द्वारा जो भी प्रार्थना किया जाता है उसमें सफलताएँ परमात्मा यदि हम सच्चे दिल से करते हैं तो निश्चित रूप से हमें देता है। प्रभु से हम यही निवेदन करेंगे, प्रभु उनको पुनः स्वास्थ्य लाभ और स्वास्थ्य वर्धन करें, जिससे उन्हें रोग और स्वस्थ होकर के हमारे बीच में उपस्थित हों। यही शुभकामनाएं और प्रार्थना। हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आप लोग उपस्थित नहीं हैं, तो मैं उनके जीवन से और उनके थोड़ा सा परिचय के लिए हमारे उनके बहुत नज़दीकी बहुत निकटतम हमारे हाजिर में सेवारत हैं, नाम मैं भूल गया, समझ चाहूँगा, उनसे अनुरोध करूँगा कि श्रीमती ऋतु विश्नोई के विषय में थोड़ा सा लोगों को अवगत कराने की कृपा करें। आप सभी को नमस्कार, मैं कमल किशोर और वास्तविक में मेरी वो पारिवारिक मित्र है और हम लोग आप सब समाज आप सबकी रसोई के लिए कार्य करते हैं, उसमें वो ऋतु विश्नोई जी अध्यक्ष हैं, रवि यदुवंशी महासचिव हैं और मैं कोषाध्यक्ष हूँ। उसी के लिए प्रोग्राम की तैयारियां चल रही थी, वो 25 तारीख को हमारा गर्म कपड़ों के वितरण का भी प्रोग्राम, तो उनके अभी स्वास्थ्य में ये हुआ है कि 20 तारीख से वो वेंटिलेटर पे और आज कल डॉक्टर ने हमसे बोला था कि 19-20 का फ़र्क हुआ है, लेकिन आज मैं जब सुबह डॉक्टर से मिला था, अभी मैं अभी आया हूँ, उन्होंने कहा है कि आज हम इनको वेंटिलेटर से हटाने की कोशिश करेंगे और इनको अपने होश में लाने की भी कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे कि कहाँ तक हम सक्सेस हैं। तो भगवान ने अगर चाहा और सब लोग आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआएं जो की जा रही हैं उसमें आज संभवतः उनका वेंटिलेटर हटने की उम्मीद है। तो बस यही है उनका, और जीवन के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, एकमात्र शक्ति है और ऐसी शक्ति है कि शायद मुरादाबाद में कोई ही सज्जन होगा जो उसके बारे में न जानता, और जो उसने एक बार प्रण कर लिया समाज सेवा के लिए तो वो
करके माने की बाकी बड़े भैया हमारे उदयवान जी के साथ भी हमेशा मतलब पिछले 25 साल से उदयवान जी के साथ भी कार्य कर रहे हैं। तो बड़े बाकी बड़े भैया बुद्धि विहार बिहार में है, हमारी शादी साहिबा है। तो 20 तारीख से अचानक तबीयत बिगड़ी, ऐसे हम लोगों को सूचना मिली। तो सभी लोग समाज के जितने भी लोग हैं, हम लोग जो है जिसे यथा योग्य प्रयास कर रहे हैं, और उसी दिन से निरंतर यज्ञ और हवन जगह जगह आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे अनिल भाई हैं, मित्र हैं हमारे सचिन जी। तो अभी कल भारत स्वाभिमान बैनर के तले भी मेरी प्रार्थना हुई थी, और उससे पहले अभिमन दास जी शानदार जी प्रार्थना की। तो दुआएं हम लोगों की काम आ रही हैं, और पूर्ण निष्ठा के साथ हम लोग दुआ कर रहे हैं आज ये यज्ञ हुआ। और हम सभी लोग मिलकर के दुआ कर रहे हैं कि बहुत जल्दी से जल्दी फिर हमारे बीच में आएंगे, और उसी ऊर्जा के साथ हम लोगों की सेवा में, समाज की सेवा में लगेंगे। बस यही प्रभु से काम। नाम आपका? मेरा नाम श्रीमती संतोष नारायण। आज आपने ये जो पाठ रखा है किस उपलक्ष्य में रखा है? ये आज हमने दीदी के स्वास्थ्य की कामना के लिए रखा है, कि परमात्मा से प्रार्थना की है कि वो जल्दी से स्वस्थ हों और हम सबको आशीर्वाद देती रहें, और इसी तरीके से समाज सेवा का काम करती रहें, हमारा उत्साह वर्धन करती रहें। प्रभु से कोटि कोटि प्रार्थना है, नमन है कि उन पर कृपा करें, सपरिवार पर कृपा दृष्टि रखें, और जल्दी से हमें दर्शन स्वस्थ होकर प्रभु से प्रार्थना करें।